नमस्कार इंडिया ब्यूटी फुल में स्टार लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। तो चलिए सीधा रुख करते हैं प्रदेश की अहम खबरों की ओर। रायबरेली से, रायबरेली भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के किसानों की मासिक बैठक संपन्न। खंड विकास अधिकारी को सौंपा 800 ज्ञापन। विकास खंड डीहा ब्लॉक परिसर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव की अगुवाई में किसानों की मासिक बैठक संपन्न हुई और अपनी 800 ज्ञापन खंड विकास अधिकारी को सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव ने बताया कि क्षेत्र में ब्लॉक मुख्यालय की सड़क जर्जर हो चुकी है, जिसका मरम्मत कराया जाए, नहरों में पानी छोड़ा जाए और क्षेत्र की विभिन्न जर्जर हुई सड़कों का मरम्मत कराया जाए, विद्युत कटौती न की जाए। इस मौके पर पप्पू मौर्य, रमेश सिंह, राम नारायण, जगदेश्वर यादव, सीता देवी, राधा आदि सहित दर्जनों किसान मौजूद रहे। इंडिया 24 टू 7 लाइव टीवी के लिए देखिए राम सुमेर की रिपोर्ट। जी भैया जी, आज आप कहाँ आए हैं, अपना परिचय दे दीजिए। मैं शिव प्रसाद यादव, भारतीय किसान ब्लॉक का दर्डी जी। आज आप कहाँ और ब्लॉक में आज हमारी मासिक बैठक हुई है जी, जिसमें किसानों की 8 बिंदु समस्याओं को लेकर मैं एक विज्ञप्ति खंड विकास अधिकारी महोदय को सौंपा हूँ जी। जैसे DDY नहर में पानी और ब्लॉक रोड हमारा जर्जर हो गया है, जिसको बनाने के लिए मरम्मत करवाया जाए, उसको करवाने के लिए लिखा गया है। और टेकारी की सड़क भी, वो भी जर्जर हो गई है। कल्लू मिश्र मऊ से पुलिया टूट गया है, बीच में धंस गया है, जिससे आदमी आते जाते टटहिल होते हैं। और ग्राम सभाओं में खुली बैठक और जो कोटा है, हर 5 साल पर उसका चयन करवाया जाए, जिससे कोटेदार मनमानी न कर सके। इसी तरह के 8 बिंदु हमारे क्या आश्वासन दिया है खंड विकास अधिकारी? खंड विकास अधिकारी महोदय ने कहा कि जो विभागीय संबंधित समस्याएं हैं, मैं उनको